इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए ओवैसी साहब मौजूद है। सर, जो घटना घटी आपके घर पर, इसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अब दिन दहाड़े जुनैद नसीर को किडनैप करके मार कर जिंदा जला दिया जा सकता है, तो फिर हमारी घर की कोई कीमत और अहमियत नहीं है। ये चौथी मरतबा हमारे घर पर अटैक हुआ है और हमने कंप्लेन दी है। जब हम वापस आए जयपुर से तो DCP साहब आए, मिले, हमसे बात भी किए। अब ये उनका काम है कि उन लोगों को पकड़े, क्योंकि इससे क्या मैसेज जा रहा है भाई? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे नेबर हैं, सामने पुलिस का ऑफिस है, और उसके बावजूद भी कोई भी आकर इस तरह का काम कर सकता है, तो फिर तो पुलिस को देखना पड़ेगा। आपको लगता है चूंकि आप कई मुद्दों पर खुलकर विरोध करते हैं, इसीलिए घटना घटी है? नहीं, TT में नहीं चलते हैं, जो उसूल हुआ एक ही सवाल का। अब आप तीन करेंगे उसको, क्या बोला आपने? आपको लगता है कि जो खुलकर आप कई मुद्दों पर विरोध करते हैं, इसी वजह से हमले हुए? विरोध करना मेरा डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट है और मैं करता रहूंगा, चाहे मुझ पर पत्थर फेंके या गोली चले, मेरा राइट है। भारत के संविधान मुझे आज़ादी देता है, डर कर क्यों जियेंगे? जब जीना दो दिन का है तो खुलकर जियेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।